ग्वालियर से बड़ी खबर है, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के ऊपर पथराव की खबर मिल रही है। इस हमले में पूर्व विधायक के चेहरे और पैर में चोट आना बताया। पूर्व विधायक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिरौल थाना के बाहर की घटना बताई गई। सिंधिया समर्थक हैं पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, जिन पर पथराव हुआ है। बड़ी खबर ग्वालियर से, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर पथराव हुआ है, जिसमें वो घायल हो गए हैं। चेहरे और पैर में उनकी चोट आई है। पूर्व विधायक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिरौल थाने के बाहर की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी हमारे नासिर गौरी जुड़ गए ग्वालियर से। जी नासिर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कार की गाड़ी की तस्वीरें, बताएं क्या हुआ है। देखिए, जो ज्योतिरे समर्थक मुन्नालाल गोयल है, वो आज एक छात्र की हत्या हो गई थी सिरौल में, तो उसको लेकर वो वहाँ क्षेत्र में गए हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब वो पहुंचे तो लोग आक्रोशित थे उसी को लेकर। उनकी गाड़ी में पहले तो उन्होंने पत्थर फेंके, जिसमें वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। इस आनंद फानंद में जब मुन्नालाल गोयल लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब उस पर बीच में कुछ उपद्रवी जो लोग थे, उन्होंने उन पर हाथापाई भी की। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले को लेकर ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन अब इस मामले को लेकर मुन्नालाल गोयल खुद 4:30 बजे मीडिया के सामने आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके चेहरे पर और पैरों में चोट आई है। उनको निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन अब जब ये मामला लगातार सुर्खियों में है, तो इसके बाद अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम है और कौन लोग उन पर हमला करने वाले थे। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि जो छात्र है सिरौल में, एक पारस झोरी नाम का छात्र है, उसकी हत्या हुई थी। उस पीड़ित परिवार को लेकर वो संवेदनाएं व्यक्त करने गए थे, और उसी को लेकर कुछ लोगों में जो उपद्रवी लोग थे उनसे उनकी कहा सुनी हुई है, और उसके बाद उन्होंने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, जिसमें वो घायल भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें वो घायल हो गए हैं, और एक केस के सिलसिले में वो गए हुए थे और तभी उनके ऊपर ये पथराव किया गया। का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिरौल थाना के बाहर की ये घटना है। सिंधिया समर्थक है पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, बसपा और कांग्रेस पर पथराव करने का आरोप लगा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार की, जहां उन पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि आरोप बसपा और सपा पर लगा है। तो मुन्नालाल गोयल सिंधिया समर्थक हैं, वो उन 24 विधायकों में से हैं, पूर्व विधायकों में से, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और उन सीटों पर उपचुनाव होना है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, जिस तरह से पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार बसपा और सपा के लोग जाकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, भोपाल से भी तस्वीरें नवीन दिखा चुके हैं, लेकिन मुन्नालाल गोयल पर पथराव हुआ है, ये किस कारण हुआ? क्या क्षेत्र की जनता नाराज है, या जनता द्वारा, या फिर कोई शरारती तत्व है, या फिर बसपा और सपा के किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है? देखिए, अभी फिलहाल खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है कि पत्र जो, लेकिन जो हमारे सूत्र है, अज्ञात व्यक्तियों ने किया है और उनको टारगेट करके किया है। मुन्नालाल गोयल के कान के पीछे 3 टाके आए, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से बात भी करेंगे कि आखिर वो बताएंगे वजह कि किस कारण से उनके हमला किया गया। लेकिन अगर पूरी घटना को देखें तो आज सुबह पारस जौहरी नाम का एक छात्र था, उसकी हत्या सिरौल थाना क्षेत्र में कर दी गई थी, और उसी घटना को लेकर वो उस परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ शरारती तत्व थे, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी पर उनके पथराव किए। तो जब जैसे ही वो गाड़ी से निकले तो उनके ऊपर भी कुछ पत्थर लगे हुए, एक नाक में चोट आई हुई है, कान में चोट आई हुई है, और पैर में चोट आई है। उनको सिटी स्कैन कराया गया है और एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी कुछ देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसमें बताएंगे कि आखिर वजह क्या रही और कौन उन पर हमला करने वाले लोग थे, तो ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार ग्वालियर पूर्व विधानसभा में एक वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है, बीते दिनों जो कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो लगातार हमलावर हैं और बीएसपी के लोग हमलावर हैं मुन्नालाल गोयल पर, तो उसी को लेकर जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक घड़ियां आती जा रही हैं, इस तरह के प्रतिरोध देखने को मिल भी रहे हैं। जी शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए।